तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल है दोस्तों। वैसे मिर्जापुर सीजन 3 बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा। आज बात करेंगे एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब की कहानी पूरे सीजन्स में चली है, सारे एपिसोड्स में चली है भाई, फुल अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी, जो दूर दूर तक कहीं नहीं लग रहा था कि भाई ऐसा हो जाएगा। देन उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे एंड सीजन 4 में क्या कहानी रन करने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, मिले थे, जो नहीं उम्मीद में लग रहे थे कि भाई ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कहानी जिस हिसाब की चल रही थी, जिस पेस में कहानी चल रही थी, वो अपने आप को इस हद तक बिल्डअप कर चुकी थी कि भाई उससे रिलेटेड एंडिंग को एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि ऐसा हो जाएगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी बकैती के, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं भाई साहब, स्टार्टिंग से बात करेंगे जिस हिसाब की प्लॉटिंग चल रही थी, क्योंकि शरद शुक्ला और गोलू, ये दो अगर मैं बात करूं तो भाई साहब मिर्जापुर की बैकबोन साबित हुई है। एंड दूसरा जो इस बैकबोन को सपोर्ट करके गया है, वो करके गई है इसकी डिप्लोमेसी। वैसा पूरी मिर्जापुर 3 उस पेस पर या फिर उस फ्लेवर पे नहीं चली है जो सीजन 1 एंड सीजन 2 देकर गए थे हमको, वो कॉमेडी का पंच, वो फन ह्यूमर, देन उसके बाद वॉयलेंस हद तक, देन उसके बाद वो वल्गैरिटी एंड मीम मटेरियल। वैसा सीजन 1 एंड सीजन 2 से इतना जबरदस्त मीम मटेरियल मिला है जो एवरग्रीन है, लेकिन वो फ्लेवर पे ये कहानी जो मिर्जापुर सीजन 3 की है, ये कहानी रन करते नजर नहीं आई है। बिल्कुल वैसी कोई कहानी नहीं है जैसे इसमें है। भाई साहब फुल कहानी अगर मैं इस पे बताऊं तो पूरी डिप्लोमेसी के बेस पर है, जिसके जितनी जबरदस्त डिप्लोमेसी है उसका सत्ता में वर्चस्व अधिकता है। तो मिर्जापुर के लिए लड़ाई चल रही कि भाई साहब मिर्जापुर की गद्दी पर आखिर राज कौन करने वाला है, जबकि गुड्डू पंडित और गोलू ने मिलकर त्रिपाठियों का सत्यानाश वहां पर कर दिया है, और गुड्डू पंडित खुद चाहते हैं कि भाई साहब मिर्जापुर पर, क्योंकि वही बैठा पड़ा है एंड वो चाहता है कि पूरे पूर्वांचल पर उसका हक हो। लेकिन भाई पूर्वांचल में बहुत से ऐसे बाहुबलीज हैं जिनके सपोर्ट से पूर्वांचल में मिर्जापुर की गद्दी आएगी, लेकिन वो सपोर्ट वो गुड्डू पंडित को नहीं देना चाहते, जहां पर शरद शुक्ला की डिप्लोमेसी बार बार इंटरफेयर करती है। लेकिन बिहाइंड द सीन कालीन भैया अभी जिंदा है भाई साहब, लेकिन बहुत से लोगों का मानना यह है कि कालीन भैया मर चुका है। बट अगर आपको लाश नहीं मिली है, इट मींस ये कि भाई साहब अगर वो मिलेगी, दैट्स उसके बाद हम तय करेंगे कि मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो दो दावेदार हैं, शरद शुक्ला एंड गुड्डू पंडित, और भाई साहब शरद शुक्ला ने जो एक्टिंग करी है ना इस बंदे ने, भाई रिप्लेस किया है सबको, अपने आप को एक फेस दिखाने का जबरदस्त कोशिश किया है, जिस हिसाब से लिखाई करी गई है, राइटिंग करी गई है एंड डायरेक्शन करी गई है, भाई साहब शरद शुक्ला एज मेन करेक्टर एक बार देखने को मिल रहा था, जहां पर मुन्ना भैया की भी इतनी कोई याद नहीं आई। गुड्डू पंडित साथ में चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी गुड्डू पंडित इतना ज्यादा ओवरटेक उस मोमेंट को नहीं कर पाए जो शरद शुक्ला करके गया है। भाई पूरी डिप्लोमेसी शरद शुक्ला की तरफ से जबरदस्त रही है, एक एक चीज वो मोहरे के हिसाब से चलना, क्योंकि ऊपर कालीन भैया का हाथ है। लास्ट में आपने देखा ही होगा सीजन 2 पर, भाई साहब कालीन भैया को वही बचा के ले जाता है, और कालीन भैया की जो भी तजुर्बा एक्सपीरियंस था वो सारा शरद शुक्ला को देना चाहता है, और वो देते रहता है एक एक मोमेंट, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है सारा कुछ कालीन भैया उसे बताता है कि यस मिर्जापुर पे तेरा ही वर्चस्व होगा, हैव पेशेंस, बस एक सही मौके का इंतजार कर, क्योंकि गुड्डू पंडित क्या है, साइको कैरेक्टर है, क्रेजी है भाई, आओ देखता ना ताओ देखता है, बस सीधे वॉयलेंस है वॉयलेंस, क्योंकि उसका मेन हथियार वॉयलेंस है। बट दूसरी तरफ अगर गुड्डू पंडित की जो मिर्जापुर में वर्चस्व लगातार बना है, उस पर गोलू का बहुत बड़ा हाथ है। गोलू की डिप्लोमेसी और उधर कालीन भैया की डिप्लोमेसी, इन दोनों डिप्लोमेसी ने जबरदस्त काम किया है। तो वही चीज़ की भाई पूरी जो कहानी इसमें चली है वो डिप्लोमेसी के बेस पर चली है, जिसकी जितनी जबरदस्त डिप्लोमेसी होगी उसका जो सत्ता में वर्चस्व रहेगा, और यही पूरे सीजन में मिला है। एक अच्छे IQ लेवल की ऑडियंस के लिए ये वेब सीरीज है, और उसके लिए नहीं है कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है, बहुतों को मजा नहीं आया कि भाई हमें वो चीज़ नहीं मिली जो सीजन 1 एंड सीजन 2 पर देखने को मिली थी, क्योंकि उस फ्लेवर को वो फॉलो करा ही नहीं, वो मेम मटेरियल, वो ह्यूमर, देन उसके बाद वो वायलेंस, इस पे कहानी नहीं चली है। वायलेंस देखने को मिला है, लेकिन उस हद तक का वायलेंस देखने को नहीं मिला जिस हद तक का सीजन 1 एंड सीजन 2 पर देखने को मिला था, लेकिन फिर भी वायलेंस में ब्रुटैलिटी है, वो गोर है कि भाई एक एक मोमेंट ऐसे ऐसे आएंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी कि भाई ऐसा भी हो गया है। देन वही चीज़ भाई गोलू की डिप्लोमेसी ने जबरदस्त काम किया है। देन उसके बाद माधुरी यादव जो अपने हैं ही CM पोस्ट के पद पर, वो चाहती हैं कि पूरे पूर्वांचल को यानी पूरे UP को भयमुक्त बनाया जाए, इन बाहुबलियों से मुक्त बनाया जाए, तो उनकी तरफ से एक अलग लेवल की डिप्लोमेसी देखने को मिली है। दूसरा कालीन भैया की बीबी अपनी बीना भाभी, वो जो अपने लल्ला के लिए वो मिर्जापुर की गद्दी को सिक्योर करना चाहती है, उनकी अलग अलग हिसाब की डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। जो सारी भाई पूरी कहानी ना डिप्लोमेसी के बेस पर ही चली है। इफ़ यू हैव अ गुड IQ लेवल, इफ़ यू हैव दैट मैच्योरिटी कि जिस पे आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, तो आप इससे इजीली कनेक्ट करके जाओगे कि भाई
ये जो चीजें होंगी ना दमदार होंगी, क्योंकि ऐसा रियलिटी में दिखाया गया है। वो कनेक्शन, वो डिप्लोमेसी का पॉलिटिकल कनेक्शन, देन उसके बाद वो बाहुबलियों का कनेक्शन, भाई दोनों मिले जुले रहते हैं। जो एक बार के लिए आज की पॉलिटिक्स पर तमाचा भी है, जो समझते हैं ना कि भाई पॉलिटिक्स तो कुछ दमदार हो गई है, बहुत प्योर हो गई है, नहीं भाई, ऐसा हमेशा से रहा है और ऐसा हमेशा होता ही रहेगा। वैसे ये सारी चीज़ें पूरे एपिसोड्स में चलती रहती है, जो एक बार के लिए आपको एक थोड़ा बोर भी करके लेके जाएंगे, कहानी स्लो लगेगी, यार क्या चल रहा है भाई, ये चीज़ तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे, ये चीज़ तो हमें देखनी ही नहीं थी, लेकिन एंडिंग भाई लास्ट एपिसोड दिल लूटे जाएगा आपका, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मिर्ज़ापुर को जाना जाता है वही चीज़ वहाँ पर होती है। कालीन भैया वापस आ जाते हैं, कालीन भैया सीधा हाथ कटने आ जाते हैं शरद शुक्ला के सर पर कि यस मिर्जापुर की गद्दी है जो इसको दे दी जाए, लेकिन एट द मोमेंट कालीन भैया सबको गोली मार देते हैं, शरद शुक्ला को आखिरी किंग ऑफ मिर्जापुर होंगे। इवन जितने भी बाहुबली वहाँ इकट्ठे होते हैं, वेस्ट के पूर्वांचल के सारे बाहुबलियों को वहीं पर हर सफाया कर देते हैं, वो इसलिए भी क्योंकि उससे पहले माधुरी यादव कालीन भैया से मिल चुकी होती हैं और उनका तो वही है एम कि भाई साहब भयमुक्त बनाया जाए, सारे बाहुबलियों को ख़त्म करा जाए, क्योंकि बदले में उसे अपना परिवार भी लेना था, किसको, कालीन भैया को, जो बीना भाभी और उसका बच्चा सीएम के हिरासत में था। तो ये चीज़ हो सकती है कि कालीन भैया, दैट्स वाई कि उस प्रेशर में आके उन सारे बाहुबलियों को मारना पड़ा है। लेकिन कहानी अब दोबारा से वही हो गई, वन एंड वन, गुड्डू पंडित जो अब जेल से फरार हो चुका है, गुड्डू पंडित वर्सेस कालीन भैया, क्योंकि कालीन भैया के चेहरे पर वो सिकन और वो भय देखने को मिल रहा था जो पहले ही था, कि गुड्डू पंडित भाई पूरे लगातार उसके पीछे पड़ा था, पूरे सीजन टू में जो उसकी धज्जियाँ उड़ाई है, इवन दैट टाइम की जब उसके पास फुल पावर थी, लेकिन कालीन भैया को अभी दोबारा से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, दोबारा से खुद को फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन गुड्डू पंडित भी अब वहीं आ चुका है जहाँ से उन्होंने कहानी को स्टार्ट किया था। वो सारी पावर जो धरपकड़ थी उनकी अब वो सब जा चुकी है, अब वो दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चीज़ भाई सीजन 4 पे अब देखने को मिलने वाली है। पोस्ट क्रेडिट सीन में मकबूल भाई को देखने को मिला है, मकबूल खान को, जो दोबारा से समन कर दिया गया है कालीन भैया की तरफ से कि भाई साहब बुलाया जा रहा है, जो एक कहीं दूर पत्थर तोड़ रहे थे, यानी कहाँ काम कर रहे थे। एंड दैट थिंग इज ऑसम कि मिर्जापुर जो जिस बेस पर चल रही थी वो सारी चीज़ें दोबारा से आ गई है। तो मेकर्स का ये क्लेवर मूव था, क्लेवर कहानी थी, जिसपे भाई अपना उन्होंने अपना पल्ला भी झाड़ दिया कि तुम्हें मिर्जापुर सीजन 3 की डिमांड थी, यस हमने आपको दिखाया ना मिर्जापुर सीजन 3, लेकिन अपने हिसाब से दिखाया, वो सारी चीज़ें ऐसे घुमा फिरा के लाके वहीं पटक दिया जो एक्चुअल में सीजन 2 के एंडिंग पर हम चाहते थे कि गुड्डू पंडित और कालीन भैया इन दोनों का मुकाबला आमने सामने हो, इन दोनों में से कोई मरे, लेकिन पूरी सीजन में कोई नहीं मरता है और वही चीज़ बरकरार है। कहानी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर लाके ख़त्म कर दिया, अब दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। तो भाई दिस इज़ द एंडिंग एंड दैट्स माई पार्ट, ये जो मुझे समझ में आया था, एंड बहुत सी चीज़ें हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो अदर कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने किस हिसाब से इस सीजन को बरकरार बना के रखा है। हाँ मिक्स रिव्यूज आए हैं, उतना ज़्यादा इस वेब सीरीज को प्यार नहीं मिलेगा जैसे सीजन टू और सीजन 1 को मिल चुका है। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वीडियो पसंद आइए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने भी मिर्जापुर सीजन 3 देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एंड आपका मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर नया कौन रहा है, क्योंकि गुड्डू पंडित, गोलू और कालीन भैया ये तो थे ही थे, इसके अलावा भी और कौन आपको इन्फ्लुएंस करके गया है, दिल लूट के गया है, नीचे जरूर बता के जाना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी जय हिंद।